दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तो दोस्तों तारीख है आज 10 नवंबर 2024 और यहाँ पे 11 नवंबर 2024 के लिए यानी कि सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ वीडियो एनालिसिस अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर फीडबैक करिए कमेंट करिए और आर के टेडी मोबाइल ऐप टेलीग्राम चैनल साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए तो चलिए शुरुआत करता हूँ देखते हैं सोमवार को मंडे को ग्यारह नवंबर को बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ पे सस्टेन करता है चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पे सस्टेन करा देखिए गिरावट तो हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं कि बैंक निफ्टी बहुत ही खराब जगह पे खड़ा है क्योंकि इसके पास जो सपोर्ट एरिया है ना दोस्तों वो है अब इक्यावन हजार पांच सौ का ही वो सपोर्ट एरिया है जिसके पास में वो आके टिका हुआ है हालांकि लो उस दिन फ्राइडे को चार सौ चौरानवे का लो बनाया था यानी कि पांच सौ के नीचे चला गया था क्लोजिंग पांच सौ इकसठ पे किया है तगड़ी क्लोजिंग बिल्कुल नहीं यहाँ से मात्र सत्तर पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया इसका मतलब आप कह सकते हैं कि लो इक्वल टू क्लोज है लो इक्वल टू क्लोज होने का मतलब है कि ये बियरिश फॉर्म में ऑलरेडी चला गया है और अगर ये इक्यावन हज़ार पाँच सौ के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो ये हो सकता है इस पुराने एरिया पर आ जाए जिसका भाव आता है कम से कम इक्यावन हज़ार और पचास हज़ार आठ सौ पचास के आसपास में इस एरिया को ये क्लेम कर सकता है अगर ये इक्यावन पाँच सौ के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर गया तो आपको पाँच पॉइंट तक की गिरावट मिल सकती सवाल ये है कि

ऑप्शन डेटा मैं आप लोगों के लिए दिखाता हूँ चूंकि मैं तो सिर्फ चार्ट पे काम करता हूँ लेकिन जो चार्ट होता है वो ऑप्शन में ऑटोमेटिक आ, आ, आ जाता जा है जा जा जा। जो ऑप्शन में होता है वो चार्ट में रहता है आप यहाँ पे देखिए एक हजार के पास में हम एट द मनी क्लोज कर रहे हैं क्योंकि पांच की क्लोजिंग है तो एक हजार द मनी हो गया इस जगह पे देखते हैं तो लगभग पांच लाख कॉल राइटर और पुट राइटर छह लाख तीस हजार इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर एकवन छह सौ के ऊपर निकल जाओगे तो मैं तुमको सपोर्ट दे दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ज्यादा हूं छह लाख तीस हजार तो अगर इक्यावन के ऊपर निकलते हो तो लेकिन ये तो क्लोजिंग कर रहा है इक्यावन पांच सौ साठ पर इसका मतलब क्या है ये 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 अभी थोड़ा ये जो पुट है खतरे में है है ना ये पुट खतरे में है और इसकी दिक्कत हो जाएगा अगर ये नीचे सस्टेन करने लगा तो इक्यावन छह सौ वाला जो पुट राइटर है वो परेशानी में पड़ जाएगा तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है उसको और हो सकता है उसमें और शॉर्ट कवरिंग है और नीचे लेके चला जाए कहां तक ये सवाल है सवाल यहां है हमारे पास कि एकावन हजार का जो आप राउंड नंबर लेवल देख रहे हैं साढ़े सोलह लाख के आसपास से पुट राइटर यहाँ बैठा है और दो लाख के यहाँ कॉल राइटर तो ये कह रहा है कि इक्यावन हजार के नीचे तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे लगभग चौदह पंद्रह गुना ज्यादा बैठा हुआ है पुट राइटर तो इक्यावन हजार के नीचे नहीं जाएगा ये है संभावना एकावन हजार तक आ सकता है इक्कावन हजार के नीचे जा नहीं सकता ये संभावना ये फिलहाल बता रहा है लेकिन उसके पहले भी क्या कोई हमें अच्छा सपोर्ट मिल सकता है छोटा सा एक बढ़िया सपोर्ट तो बनता है वो एकावन दो सौ से एकावन तीन सौ यहां पे अगर आप देखें तो इस दो एरिया पे पांच और पांच दस लगभग साढ़े दस लाख आपका पुट राइटर बैठा है और कॉल राइटर की बात करते हैं तो लगभग लगभग ढाई लाख है है ना लगभग लगभग ढाई लाख के आसपास हमारा कॉल राइटर ढाई तो लाख के मुकाबले में दस लाख हमारा ज्यादा है तो इस एरिया पर आपको एक सपोर्ट तो बन सकता है एकावन तीन सौ से दो ये पहला सपोर्ट एरिया होगा जहां पर आपको रिकवरी के चांस बन सकता है ये तो हमने और नीचे का लेवल तो एकावन हजार यहां पर अगर मिलता है तो यहाँ पे तो बाइंग करना ही चाहिए पीसीआर ऑलरेडी हमारा ओवर शोल्ड में जाने की कोशिश कर रहा है यानी बाय ऑन डीप हो सकता है अब हम ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस देखते हैं थोड़ा <laughs> बावन हजार फिफ्टी टू थाउजेंड आप यहाँ पे देखिए बावन हजार के आसपास की क्या स्थिति बनी हुई आठ लाख टूट राइटर है कॉल राइटर लगभग साढ़े इक्कीस लाख है तो जाहिर सी बात आठ ठीक चौबीस लगभग ढाई गुना वहां पे बैठा हुआ है कॉल राइटर तो कह रहा है बावन हजार के ऊपर तो तुम नहीं जाओगे लेकिन अगर बावन हजार के ऊपर टिक गया तो फिर आपको थोड़ा रिकवरी मिल सकता है और ये बावन दो तक तीन तक खींच के लेके जा सकता है तो बावन हजार के ऊपर निकलने के बाद ये सिचुएशन होगा वो भी दो बजे के बाद बजे के बाद, उसके पहले नहीं क्या उसके पहले रजिस्टेंस कहीं है तो यहाँ देखिए यह चार लाख राइटर कॉल राइटर साढ़े सात लाख है तो ऑलरेडी आठ सौ पे भी वही सेम कंडीशन है साढ़े आठ लाख कॉल राइटर पुट राइटर चार लाख है यानी कि डबल का मामला चला था आठ सौ एकावन सात सौ आठ सौ और नौ सौ मैं एकदम रेजिस्टेंस पहला वाला द्वार जो था ना वो है तो ये अभी ऊपर हमें सेल ऑन राइज करना है 52000 के रेंज में 51000 के रेंज में बाय करना है 51200 300 पे बाय करना है 51800 900 पे सेल करना है। ये सारे सिचुएशन बन रहे हैं दिखाई दे रहे हैं चार्ट पर और डेटा में भी तो कल क्या हो सकता है मंडे को तो इसके लिए हम एक लेवल निकालते हैं अब यहां पे आप देखें ध्यान से तो एक दो बार इस एरिया को क्लेम किया है है ना वो लेवल आता है इक्यावन पांच सौ और लास्ट टाइम भी फिर पर आके सस्टेन कर गया अब आप यहां से देखिए वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का लेवल है यहां से ये तीन सौ पॉइंट का रैली कर जाता है और फिर इसी एक्वन आठ सौ और नौ सो वाला जो एरिया मैंने आपको रेजिस्टेंस का बताया था उसी एरिया से फिर ये सेलिंग आता है और से फिर 300 पॉइंट नीचे आ जाता है तो देखिए किस तरह का कब करेंगे? जब हम इस एरिया के निकालेंगे तब और ये एरिया कितना आता है सवाल हजार छह सौ अगर फिफ्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के ऊपर निकालता है तो एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है और टारगेट इस कंडीशन से सात सौ से लेके फिर वही एकवन हजार आठ सौ जो आप ये एरिया देख रहे हैं यहाँ और थोड़ा रिकवरी आतावन हजार नौ सौ आपको इस एरिया के आसपास आते ही पी करना है यानी कि प्रॉफिट को बुक कर लेना है आपने डेटा में भी मैंने आपको दिखा दिया आप ऐसा मत करिए डेटा दिखाया ना कि वहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा और यहाँ पे भी शो कर रहा है ना कि ये एरिया पे गिर जाता है ये एरिया से गिर जाता है तो आपको इस एरिया के आसपास प्रॉफिट को जरूर बुक करना है ये दिमाग में लेकर नहीं चलना है कि अभी तो मैंने मार्केट को गर्दन से पकड़ा है नहीं पकड़ना है ठीक है बस लेके निकल जाना है और प्रणाम कर लेना है तो ये हो गया आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप लेके चलेंगे और एकावन हजार छह सौ के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं क्लियर चलिए अगर सेलिंग करना है तो जरूर इसके नीचे ही सेलिंग होगा इसके नीचे ही उसके पहले नहीं पचास के नीचे जाने पे पांच सौ पर भी नहीं चार सौ पचास थोड़ा साइट एक चार सौ पचास के नीचे गया तो जरूर हम लोग सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में एकावन हजार चार सौ इक्यावन हजार तीन और इक्यावन हजार दो सौ तक के

और अगर एक आवर आ जाता है तो वहां से सारा पोजिशन कट करके कॉन्ट्रा ट्रेड बना लेना है कि सेल का काट के बाय में बैठ जाना है पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो आप इक्यावन हजार चार सौ के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा ये तो बैंक निफ्टी का व्यू है दोस्तों अब देखिए लोग पूछते हैं कि आप कैसे चार्ट को एनालाइज करते हैं कैसे देखते हैं तो भाई ये वीडियो मैं उसी चीज के लेना बनाता हूँ आपको पूरा का पूरा लेवल समझाने का चार्ट के हिसाब से आप वीडियो नहीं देखेंगे भगाएंगे तो कैसे पता चलेगा बहुत सारे लोग आते हैं कमेंट में सवाल लिखते हैं कैसे एनालाइज करते हैं तो भाई वो तो बता रहा हूँ तो उसको आप देखेंगे तभी तो अब हम बाय और सेल का लेवल देख लिए अब फ्लेक्चुएसन वाले कंडीशन में यानी कि फ्लेक्चुएसन होके अगर ये शुरुआत में ही गैप अप खुल जाता है मान लेते हैं अगर ये गैप अप खुल जाए और ये डायरेक्टली यहाँ से 500-600 पॉइंट खुल जाता है तो पांच सौ छह सौ सो के नजदीक खुलेगा या फिर के नजदीक खुलता है और अभी हमने क्या देखा कि इस एरिया पे तो हमारा बड़ा हर्डल बैठा हुआ है ऑप्शन जो राइटर है कॉल राइटर वो यहाँ पे तगड़ा बना के बैठा हुआ है है ना कम से कम तेईस चौबीस गुना बैठा हुआ था तो यहाँ पे तो बड़ा रेजिस्टेंस है आपको तो इस एरिया के आसपास में क्या करना है आपको बिल्कुल ये दो ऐसे एरिया है एकावन हजार नौ सौ और बावन हजार वाला जहां पे आपको सेल ऑन राइज ये एरिया क्या है सेल ऑन राइज वाला एरिया है तब तक जब तक कि ढाई बजे के बाद इसके ऊपर सस्टेन नहीं करे ये एरिया है सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज यानी कि जैसे ही उछाल मिले आपको राइज मिले आपको सेल करना है यानी कि बेच देना है टारगेट होगा इक्यावन हजार आठ ये होगा टारगेट इक्यावन हजार आठ हजार सात छ सौ का छह सौ आपको याद है अभी हमने ऑप्शन डेटा दिखाया कहा था कि अगर छ सौ के ऊपर टिकेगा तो वो पुट राइटर जो है थोड़ा हिम्मत बांध लेगा और सपोर्ट दे देगा तो इस एरिया पर आके ये सपोर्ट ले सकता है ज्यादा से ज्यादा एकावन पांच सौ पर ठीक है ये बाय साइड के लिए आप पुट ऑप्शन बाय कर सकतेवन हजार नौ सौ के ही स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा लेकिन अगर ये गैप अप नहीं खुले और ये गैप डाउन खुल जाए यानी कि नीचे गैप डाउन और ये नीचे खुल जाता है मान लेते हैं इक्कावन हजार पर डायरेक्ट तो जैसे बावन हजार पर सेलिंग तो एकावन हजार और सौ एक हजार एक सौ पर क्या होगा बाइंग ये दो एरिया क्योंकि नीचे उसी हिसाब से सपोर्ट भी बना हुआ है तो टारगेट होगा यहाँ से फिर एक हजार दो सौ से लेके वापस एकावन हजार पांच सौ देन ये पांच सौ के ऊपर फिर जाएगा ना ये वाला एरिया फिर इसका रेजिस्टेंस बना लेगा नीचे से ऐसे ऐसे जाएगा फिर आ जाएगा फिर आ तो ये एरिया पे ध्यान रखना है आपको आ, कॉल ऑप्शन यहाँ से क्योंकि आपनेवन हजार बाइंग करते हैं इंडेक्स को तो कॉल ऑप्शन भी यहाँ पे लिया जा सकता है एकावन एक सौ के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों दोनों ही कंडीशन में मैंने आपको समझाया और मान लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है सपोज अगर ऐसा नहीं हो पाया और साइड चला गया तो आपको पता है आपके लेवल कि भाई हाँ पे आएगा तो करेंगे बीच में रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे है ना मार्केट को थोड़ा सा आपको भी अपना ढंग से एनालाइज करना है बहुत कुछ नहीं देखना है पर छोटी छोटी चीजों को जरूर देखिए अब बात करते हैं निफ्टी के तरफ में निफ्टी अभी थोड़ा उतना कमजोर नहीं हुआ है लेकिन बैंक निफ्टी ऑलरेडी कमजोरी में जाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी तब कमजोर होगा जब ये चौबीस हजार के नीचे जाएगा। और चौबीस हजार के, के, के टारगेट का वेट किया जा सकता है ये प्रॉपर अभी भी उतना कमजोर मुझे नहीं लग रहा है जितना की बैंक निफ्टी है इसके पास सपोर्ट अभी भी चौबीस हजार चौबीस हजार पचास का बना हुआ है इसका हम ऑप्शन डेटा अगर देखने की कोशिश करें चलिए ऑप्शन डेटा थोड़ा देखें पीसीआर अभी ठीक-ठाक है उतना तो है नहीं लेकिन ओवरशॉट होने के कंडीशन पे आ रहा है और एट द मनी 24148 की क्लोजिंग है तो 24150 पर हमारा एट द मनी होगा ये भी आपको दिख रहा है इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि भाई तेजी नहीं अभी सोचेंगे हाँ अगर खरीदारी अगर यहाँ पे मिलता अगर ये 24000 और 24050 के आसपास मिलता है तो हम एक बार यहां पे रिस्क ले सकते हैं बाय साइड का एक रिस्क जरूर ले सकते हैं बाई साइड का इस दोनों को मिला के देखें तो उन्तीस पांच चौतीस लगभग पास में हमें बाइंग करना चाहिए लेकिन अगर ये तेईस नौ सौ पचास के नीचे भी चला जाए चौबीस हजार के नीचे ही रुकना शुरू कर दे आप पंद्रह बीस मिनट तो आप समझ जाइएगा ट्रैप हो चुका है और ये नीचे जाने को रेडी है फिर ये तेईस आठ सौ तक भी जा सकता है इसी तरह से अगर हम ऊपर की तरफ हैं तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन रहा है जो सबसे पहला हर्डल है आपके वो है चौबीस हजार तीन सौ यहाँ पे अगर देखते हैं तो तेरह लाख पुट राइटर कॉल राइटर बत्तीस लाख है तो दिक्कत है बड़ी तेजी आपको चौबीस तीन सौ के ऊपर बनेगा उसके पहले नहीं बनेगा दूसरा क्या है कि चौबीस दो सौ पचास पे भी हर्डल बना हुआ है यहाँ पे सात लाख पुट राइटर कॉल राइटर है साढ़े बारह लाख तो चौबीस दो सौ पचास और चौबीस तीन सौ यहाँ है अब आते हैं चार्ट पर और चार्ट पर समझाता हूं कि अगर आपको सेलिंग करना है तो पहला सेल लेवल चौबीस हजार पचास के नीचे बनेगा इसमें कोई दो राय चौबीस हजार पचास के नीचे सस्टेन करता है तो सेल करेंगे और टारगेट पहला चौबीस हजार जो मल्टीपल ऑर्डर ले रखे हैं लेते हैं वो चौबीस हजार पर एक बार अपना मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दीजिए क्यों क्योंकि ये सपोर्ट है है ना भाई यहां से बाउंस होने के है। अगर मल्टीपल क्वांटिटी है तो बहुत मैक्सिमम क्वांटिटी आप निकाल दीजिए एक लॉट छोड़ दीजिए अगर ये चौबीस हजार के नीचे सस्टेन करने लग जाए देन फिर वापस एड करके तेईस नौ सौ पचास से तेईस हजार नौ सौ का रैली इंजॉय कर सकते हैं और तेईस नौ सौ और आठ सौ पचहत्तर का देखिए यहाँ पे कितना बार इसने सपोर्ट लिया है इसीलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है कि इस एरिया पर आते ही आपको अलर्ट हो जाना है तेईस आठ सौ पचास नौ सौ यहाँ से बाय हो सकता है यहाँ से उछाल आ सकता है क्योंकि ये तगड़ा सपोर्ट है पुट ऑप्शन यहाँ से आप नजर रखेंगे तो चौबीस हजार का पुट ऑप्शन ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इंडेक्स नीचे आने पर पुट ऑप्शन ऊपर जाके आप, आपको प्रॉफिट देगा लेकिन अगर हमें बाय करना हो यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में चला जाए तब पे करेंगे तो भाई हमें करना है 24,200 के ऊपर उसके पहले नहीं करना है अगर आपको बाइंग करना है तो 24,200 के ऊपर बाय करें और इस कंडीशन से टारगेट होता है चौबीस सॉरी चौबीस और चौबीस आपको डेटा में भी दिखाया कि इस एरिया पे बड़ा हडल है अगर ये ढाई बजे के बाद तोड़ देता है चौबीस तीन सौ तब आप थोड़ा रैली का उम्मीद और कर सकते हैं जो चौबीस तीन सौ पचास तक जा सकता है बहुत अच्छा रहा तो चौबीस चार सौ इसकी संभावना कम है कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आप कॉल ऑप्शन चौबीस हजार दो सौ के प्राइस का ले सकते हैं चौबीस पांच सौ पचास ये मेन हडल है, <coughs> तो है आपको पहला जो रजिस्टेंस एरिया बन रहा है वो बन रहा है चौबीस हजार तीन सौ पचास के आसपास का बन रहा है आपको पता ही है। अभी भी मैंने आपको डे, डेटा दिखाया तो अगर ये अप खुल जाए किसी भी कारण बस चौबीस तीन सौ, चौबीस तीन सौ पचास इस दो एरिया पर अगर ये गैप अप खुलता है तो प्रॉपर आप सेल करिए और टारगेट इस कंडीशन से चौबीस दो सौ पचास चौबीस हजार दो सौ और चौबीस हजार एक सौ पचास तक के टारगेट आराम से इजी वे में मिल सकता है जो कि आज लगो फ्राइडे का क्लोजिंग है पुट ऑप्शन पे आप चौबीस हजार दो सौ पचास या तीन सौ के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाता है नीचे खुल जाता है किसी भी कारण बस से तो यहां पर फिर आपको एक एरिया मिलता है यहाँ से लगभग डेढ़ सौ दो सौ पॉइंट नीचे चला जाए तो ये कहीं ना कहीं ये तेईस नौ सौ के आसपास खोलेगा है ना या तेईस हजार नौ सौ पचास देखिये एक चांस तो यहाँ पर लिया जा सकता है आपको फ्लो देखना है कि खुलते के साथ नहीं लेना है ठीक है आपको देखना है कि इसका फ्लो नीचे के साइड में तो नहीं है अगर ये ऊपर के साइड में तब तो ठीक है लेकिन अगर फ्लो नीचे का है तो रुक जाना है तो फिर हो सकता है ये तेईस पर आ जाए और देन यहाँ से रिकवरी करे तो इस एरिया पे भी अगर मिले तो बहुत ही बढ़िया बाय किया जा सकता है यानी ये तीनों एरिया बाय ऑन डीप हो जाएगा कुछ क्वांटिटी यहाँ लीजिए नीचे आता है यहाँ लीजिए नीचे आता है यहाँ लीजिए और नीचे आता है यहाँ लीजिए और नीचे आता है यहाँ एड करते जाइए टारगेट ऊपर की तरफ में तेईस हजार नौ सौ पचास चौबीस हजार चौबीस हजार एक सौ पहले चौबीस हजार पचास फिर चौबीस हजार एक सौ तक रिकवरी दिखा सकता है कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो तेईस हजार नौ सौ के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर जाने पर कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों एनालिसिस है 11 नवंबर 2024 सोमवार मंडे के लिए अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें कमेंट करें और ट्रेडिंग मोबाइल ऐप टेलीग्राम चैनल साथ ही व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों